Now, let's discuss the home story map. A seminal paper in the development of the field as a distinct discipline was James S. Holmes' Name and Nature of Translation Studies. अगर हम बात करें कि ट्रांसलेशन स्टडी जो है एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पर सामने आई तो उसका आगाज कहाँ से हुआ, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जेम्स एस होम्स ने एक रिसर्च पेपर लिखा द नेम एंड नेचर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज। उस वहाँ से जो है वो ये ट्रांसलेशन स्टडीज का आगाज होता है। In his contemporary translation theories, Gensler describes Hume's paper as generally accepted as a founding statement for the field. In his contemporary translation theories, अपनी मौजूदा जो है वो translation theories में मतलब उन्होंने अपनी जो मौजूदा research है, Gensler जो है वो बताता है कि Hume's का जो paper था, ठीक है, आम तौर पर उसे जो है वो इस फील्ड की फाउंडेशन माना जाता है, इस फील्ड का पायनियर माना जाता है कि ये फील्ड जो ट्रांसलेशन फील्ड है इसको जो स्टार्ट करने वाला है या जिस की जो है वो इनोवेशन से ये फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है, इमर्ज हुई है, वो होम्स का पेपर है और वो एक्सेप्ट भी किया गया कि ये ऐसा ही है। तो जेंसलर जो है वो भी एक ट्रांसलेटर है, एक प्रोफेसर है कंपैरेटिव लिटरेचर का, और उसके अलावा जो है वो मस्कत यूनिवर्सिटी में जो है वो ट्रांसलेशन का जो है वो डायरेक्टर है। ये जेंसलर भी जो है वो एक जो है वो ट्रांसलेटर है। होम्स ड्रॉ अटेंशन टू द लिमिटेशन इम्पोज एट द टाइम बाय द फैक्ट दैट ट्रांसलेशन रिसर्च वॉज डिस्पर्स्ड अक्रॉस ओल्डर डिसिप्लिन्स। अब होम जो है वो अपने पेपर में क्या करते हैं जो है वो उन लिमिटेशंस पर जो है वो तवज्जा देते हैं या उन लिमिटेशंस पर रोशनी डालते हैं जो इम्पोज की गई एट दैट टाइम, ठीक है। और ट्रांसलेशन जो रिसर्च थी, यहाँ पे ट्रांसलेशन रिसर्च की बात हो गई है, वो जो पुराने डिसिप्लिन थे, जो पुरानी जो है फील्ड थी उनसे जो है वो अलग कर दी गई। इसके अलावा जो है वो होम जो है वो स्ट्रेस करते हैं, ही ऑल्सो स्ट्रेसेस द नीड टू फोर्ज अदर कम्युनिकेशन चैनल्स कटिंग अक्रॉस द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन टू रीच ऑल स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम वट एवर बैकग्राउंड। इसके साथ साथ जो है होम्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि अदर कम्युनिकेशन चैनल पर काम किया जाए। अब यहाँ पे अदर कम्युनिकेशन चैनल क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो एक बात का, गुफ्तगु का या अपना मैसेज पहुंचाने का जरिया होता है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल का जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि कम्युनिकेशन चैनल पर काम किया जाए, कम्युनिकेशन चैनल हमारे पास टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर जो है आजकल जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, वो भी जो है उनको भी जो है वो क्रिएट करना चाहिए। दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स में भी इसकी जो है अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो लोग जो है कटिंग एंड ग्रोसर ट्रेडिशनल डिसिप्लिन, ताकि जो वो एक रवायती डिसिप्लिन चला आ रहा है उसको तोड़ते हुए, उसको क्रॉस करते हुए उन स्कॉलर्स को लेकर आए, ठीक है। ट्रांसलेशन रिसर्च की बात हो रही है कि अभी भी रिसर्च में इनोवेशंस की ज़रूरत है, उन स्कॉलर्स को लेकर आए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से हैं। तो इस पर जो है फर्दर जो है वो काम किया जाए। क्रुशियली होम्स पुट्स फॉरवर्ड एन ओवरऑल फ्रेमवर्क डिस्क्राइबिंग व्हाट ट्रांसलेशन स्टडीज कवर। अब अगर हम बात करें कि होम्स का जो मॉडल था, जो फ्रेमवर्क था, ठीक है, वो फ्रेमवर्क जो है वो देते हैं अपने उस रिसर्च पेपर में, जिसमें क्या बताते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ क्या कवर करती है। सो दिस फ्रेमवर्क हैज
subsequently been presented by the leading Israeli translation scholar Gideon Turi as in figure 1.1. अब ये 1.1 है कि ये जो framework है, ये model है, जो further present किया गया है, एक इसराइली ट्रांसलेटर है, ठीक है, स्कॉलर है गिडियन टूरी चूरी, उसने जो है फर्दर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो लेकर आया ट्रांसलेशन स्टडी में. अच्छा, अब इस जो है वो ट्रांसलेशन को सॉरी इस मॉडल को जो है वो कहा जा रहा है होम स्टोरी मैप. अब ये होम क्या और टूरी क्या है? होम जो है वो जेम्स होम, ये ट्रांसलेटर है, और गिडियन टूरी जो है ये अनदर ट्रांसलेटर है. इन दोनों का काम जो है इन दोनों ने इस फील्ड को आगे लाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. इसलिए जो होम ने मॉडल जो है वो पेश किया जो है ट्रांसलेशन की स्टडी में जो है उसको एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया. सेम गिडियन टूरी ने भी जो है वो इसी तरह का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. इसीलिए इस जो है वो फ्रेमवर्क को होम्स टूरी मैप कहा जाता है. तो जो है अब अगर हम बात करें इस फ्रेमवर्क इस मॉडल की, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन स्टडीज़ को दो ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है. फर्स्ट हमारे पास प्योर है और सेकेंड हमारे पास अप्लाइड है. ये आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास प्योर ब्रांच है ट्रांसलेशन स्टडी की, इट इज़ रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन, इट इज़ रिलेटेड टू थेरी कि क्या है, कैसे होना चाहिए, ठीक है, और व्हाट. और अप्लाइड जो है इट इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकलिटी कि हाउ, कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इस्टेब्लिश करना है. अगर हम फर्दर जो है वो कैटेगराइज करें प्योर को, हम टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज थ्योरेटिकल एंड सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव. इसको भी जो है वो थ्योरेटिकल को भी फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है जनरल में एंड पार्शल में. जनरल में जनरल ट्रांसलेशन होगी, लेकिन जो थ्योरेटिकल की सब ब्रांच है पार्शल, फर्दर इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया. यहाँ पे हमारे पास 6 रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रांसलेशन को एनालाइज कर सकते हैं. तो अगर हम प्योर की सेकंड जो है वो कैटेगरी देखें, डिस्क्रिप्टिव है, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है. अप्लाइड में फर्दर 3. अभी हम इस डायग्राम को डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं. आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. इन होम्स फ्रेमवर्क ट्रांसलेशन स्टडीज इज डिवाइडेड इंटू 2 मेन ब्रांचेस, द प्योर एंड अप्लाइड. कि होम्स का जो फ्रेमवर्क है ट्रांसलेशन स्टडी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. पहली जो है वो प्योर है और दूसरी है अप्लाइड. इसके ऑब्जेक्टिव देख लें. अगर हम ऑब्जेक्टिव की प्योर के ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि गोल क्या है ट्रांसलेशन स्टडी की जो ये ब्रांच है प्योर, ठीक है, इसका मकसद क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ ट्रांसलेशन. अब वही बात आ गई कि इट इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन. प्योर इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन. व्हाट इज व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट ट्रांसलेशन. व्हाट इज ट्रांसलेशन. जैसे जो है अगर हम अप्लाइड की बात करें, तो अप्लाइड इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट सच फिनोमेना. इसमें एस्टैब्लिशमेंट में एग्जीक्यूशन आ जाएगा, प्रैक्टिकल वर्क आ जाएगा कि किस तरह जनरल प्रिंसिपल जो अपने रूल सीखे, ठीक है, और उनको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, किस तरह से इस फिनोमेना को, इस ट्रांसलेशन स्टडीज को प्रिडिक्ट करते हो. ओके, हमने प्योर और अप्लाइड की बात की. अब अगर हम बात करें जो है सिर्फ ट्रांसलेशन स्टडी के प्योर की बात करें, दी प्योर की इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 सब ब्रांचेस, थ्योरेटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव. और हमने देखा कि थ्योरेटिकल को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, सब डिवाइड किया गया है. द थ्योरेटिकल ब्रांच इज डिवाइडेड इनटू जनरल एंड प्रैक्टिकल थ्योरीज. सो थ्योरेटिकल ब्रांच को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज जनरल एंड सेकंड इज पार्शियल.
By general, Holmes is referring to those writings that seek to describe or account for every type of translation, and to make generalization that will be relevant for translation as a whole. Partial theoretical studies are restricted to according to parameters. तो जो है जब हम थ्योरेटिकल में जनरल की बात कर रहे हैं तो जनरल में सिंपली जो है जनरल जो है वो ट्रांसलेशन है. जनरल ट्रांसलेशन कैसे है? होम इज रेफरिंग टू दोज राइटिंग दैट सीक्स टू डिस्क्राइब और अकाउंट फॉर ट्रांसलेशन एज अ होल. जिसमें आप क्या करते हो, एज अ होल जो है वो मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लेते हो. इसके लिए आपको जो है वो स्पेशल एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रामर स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत नहीं है. जब आपने जो है वो जनरल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है तो वो हमारी जनरल ट्रांसलेशन होगी. जैसे कोई भी फॉरेनर यहाँ आता है, आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, लेकिन आपका एक्सप्रेशन और कुछ दिन रहने के साथ वो आपके कहने के अंदाज को समराइज कर लेगा कि आपके कहने का ये मतलब है. तो पार्शियल थियरीज को हमने जो है अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, हमने जनरल की बात की कि वो जनरल होती है, उसके लिए कोई स्पेशल जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. तो जो है पार्शियल थियरीज ऑफ ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू सबरिवियन एंड फिगर 1.1 इज डिस्कस्ड अबव. अब हम बात करें पार्शियल थियरीज में, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड हैं. तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज की. मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज क्या है? मीडियम क्या होता है हमारा? मीडियम हमारा सोर्स होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं या कुछ काम करते हैं. तो उसको हम सब डिवाइड करते हैं ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग. अब वो मशीन के जरिए या ह्यूमन के जरिए. With further subdivision according to whether the machine computer is working alone or as an aid to the human translator. ठीक है, अब हम further जो है इसको subdivide करते हैं किसके मुताबिक, कि आया जो है वो मशीन काम कर रही है या कंप्यूटर अकेला काम कर, मशीन ये कंप्यूटर अकेला काम कर रहा है या फिर जो है वो एक हेल्प के तौर पे, ठीक है, या एक एड के तौर पे, ठीक है, हेल्प के तौर पे ह्यूमन ट्रांसलेटर काम कर रहा है. टू वेदर ह्यूमन ट्रांसलेशन इज रिटन और स्पोकन. आया जो ट्रांसलेशन है, ह्यूमन ट्रांसलेशन है, इज रिटन और स्पोकन. ह्यूमन ट्रांसलेशन यहाँ पे कि जो करने वाला है वो डायरेक्ट कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है. जैसे मैं जो है मैं ट्रांसलेशन लिख रही हूँ, वो रिटन भी हो सकती है ऑरन भी हो सकती है. एंड टू वेदर स्पोकन ट्रांसलेशन इज कंसिक्यूटिव और सिमल्टेनियस. के सम टाइम जो जो ट्रांसलेशन होती है स्पोकन ट्रांसलेशन, वो कंसेक्टिव भी होती है और कभी एक तरफ भी होती है. तो यहाँ पे हम मीडियम की बात कर रहे हैं कि मीडियम में हम उसको कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो ट्रांसलेशन, कि आया मशीन है या ह्यूमन है, हमारा मीडियम क्या है. तो ज़्यादातर हमारा मीडियम जो है वो मशीन होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ट्रांसलेटर होता है. जैसे आजकल आप लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन है, उसमें गूगल ट्रांसलेटर है. आपको कोई भी चीज़ की, किसी भी सेंटेंस की ट्रांसलेशन करनी हो, आप क्या करते हो, गूगल ट्रांसलेटर को जो है वो ओपन करते हो जो है. और एज इन ह्यूमन जो है वो ह्यूमन ट्रांसलेटर, एक टीचर जो ह्यूमन ट्रांसलेटर के तौर पर बहुत कम जो है वो पाई जाती. जो दूसरा हमारा पैरामीटर जो है एरिया रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज है. अब ये कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ तक लिमिटेड है? टू स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज तक रिस्ट्रिक्टेड है ट्रांसलेशन. एक स्पेसिफिक लैंग्वेज तक रिस्ट्रिक्टेड है और ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस, या फिर किसी, यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज बात हो रही है, वो जो ट्राइब्स होते हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक होती है, या फिर हम एक कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं वो. होम्स नोट्स दैट लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज आर क्लोजली रिलेटेड टू वर्क इन कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स.
अब होम जो है वो क्या नोटिस करता है कि जो लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज है ना, ठीक है, आर क्लोजली रिलेटेड टू वर्क के जो लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज हैं वो किसके जो है क्लोजली रिलेटेड है, मतलब उसको कंट्रास्ट किया जा रहा है लिंग्विस्टिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स से। इसमें एरिया मैटर करता है, किस एरिए की कौन सी लैंग्वेज है, किस ग्रुप की कौन सी लैंग्वेज है, उस कल्चर की लैंग्वेज क्या है, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उस लैंग्वेज के ही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, उस कल्चर में उस वर्ड्स की जो मीनिंग है उस मीनिंग को जो है वो ट्रांसलेशन के तौर पर जो है वो लिया जाता है। तो थर्ड हमारे पास आ जाता है रैंक रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज। रैंक रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज में हम बात करते हैं, रैंक रिस्ट्रिक्ट थ्योरीज आर लिंग्विस्टिक थ्योरीज दैट हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ द वर्ड और सेंटेंस। जो रैंक रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज होती हैं ये एक्चुअली लिंग्विस्टिक थ्योरीज होती हैं, ठीक है, जिसमें लिमिट होता है एक स्पेसिफिक लेवल तक, ठीक है, वर्ड का या सेंटेंस का। अब स्पेसिफिक लेवल क्या होगा, ठीक है, हमने जो एडवांस लेवल है उसमें जो है वो वर्ड हम कहते थे कि जी पहले हम कहते थे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या, आइडेंटिफाई करें। अब कहते हैं लेवल द वर्ड्स, लेवल द वर्ड्स क्या, हमने लेवल करना है कि व्हाट इज दिस, दिस इज मॉर्फीम, दिस इज डेरिवेशनल मॉर्फीम, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, दिस इज सरफेस स्ट्रक्चर, दिस इज रीफ स्ट्रक्चर, ठीक है, लिंग्विस्टिक टर्म में आपने लेवल करना है, वर्ड को लेबल करना है, वर्ड लेवल को लेबल करना है कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। एट द टाइम होम्स वॉज राइटिंग देर वॉज ऑलरेडी अ ट्रेंड टूवर्ड्स टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स टेस्ट रैंक एनालिसिस विच हैज सिंस बिकम फार मोर पॉपुलर। अब उस वक्त जब होम जो है वो लिख रहा था पेपर, उस वक्त भी देर वॉज ऑलरेडी अ ट्रेंड, पहले से ये जो है वो एक ट्रेंड था टूवर्ड्स टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, टेक्स्ट लिंग्विस्टिक की तरफ, टेक्स्ट रैंक एनालिसिस, यानी कि वर्ड लेवल पर जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था, जो तब से अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड थेरीज की लिमिटेशन की बात करें, लुक एट स्पेसिफिक डिस्कोर्स टाइप्स और जॉनरा, कि एक ख़ास किस्म के डिस्कोर्स और जॉनरा पर फोकस करता है। जैसे अगर हम बात करें टेक्स्ट टाइप की, ठीक है, अगर जो ट्रांसलेशन है वो पोइट्री है, वो पोइट्री तक महदूद रहेगा, हमने पोइट्री के पैरामीटर्स देखेंगे। अगर पोइट्री है तो उसमें हम स्टेंजा का वर्ड्स यूज़ करेंगे, हम जो है वो एक पैराग्राफ के लिए जो राइटर ने 4 से 5 लाइन्स दी हैं उसके लिए हम कभी भी एक्ट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम सीन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम उसके लिए जो वोकैबुलरी दी है हम रिस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, हम जॉनरा के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्टेड हैं कि अगर पोइट्री है तो हमने उसके 4 लाइंस को हमने पैराग्राफ कहना है, अगर वो ड्रामा है और उसके इतने पेजेस हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये सीन है, ये एक्ट है, अगर नॉवल है तो हम कहेंगे कि ये चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे। और डिस्कोर्स टाइप भी, हमारे पास बहुत सारी डिस्कोर्स होती हैं, डिस्कोर्स का मतलब एक्चुअली स्पीच है, कॉन्वर्सेशन है, डिस्कोर्स का मतलब ही स्पीच है, कॉन्वर्सेशन है। ये फर्दर हमारे पास रिटन में आ जाता है, रिटन डिस्कोर्स होता है और ओरल डिस्कोर्स होता है। रिटन डिस्कोर्स में हमारे पास वही बात आ गई कि अगर दो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं वो डिजीज़ की बात करेंगे, मेडिसिन की बात करेंगे, अगर डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो उसको उसकी बीमारी के बारे में बताएगा, तो ये मेडिकल डिस्कोर्स होगी, ठीक है, मेरा जो आपसे इंट्रैक्शन है ये एजुकेशनल डिस्कोर्स होगी। तो डिस्कोर्स की टाइप के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो वोकैबुलरी का यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिटरेरी आ गया, यानी कि लिटरेचर आ गया, बिजनेस आ गया, बिजनेस के बीच कुछ कोड्स इन टर्म्स होते हैं जो बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, और टेक्निकल ट्रांसलेशन। टेक्स्ट टाइप अप्रोच केम टू प्रोमिनेंस विद द वर्क ऑफ रेस एंड वर्मीर अमंगेस्ट अदर्स इन द 1970s। अगर हम बात करें कि जो टेक्स्ट टाइप अप्रोच थी ये कब आई, ठीक है, इसको अहमियत कब मिली, तो रेस एंड वर्मीर ने जो है एक मॉडल पेश किया था कॉर्पोटाइप का, जिसमें उन्होंने जो है
वो टेक्स टेक्स कैटेगरीज को डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो ये मॉडल यूज़ करते हुए सेंटेंस की सिमेंटिक की सिंटेक्टिक की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो दूर हो जाती हैं। द टर्म टाइम रिस्ट्रिक्टेड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कि जो टर्म टाइम रिस्ट्रिक्टेड है ये खुद जो है वो वजाहत दे रहा है। Referring to theories and translations limited according to specific time frames and periods, कि ये कौन सी theories को refer कर रहा है, limited किसके according, specific time के according। अब specific time जैसे आपने पढ़ा कि angle और section जो है वो 6th century से start होता है और 11th century तक खत्म हो जाता है, तो ये जो duration है ये time frame होगा, ये period होगा, ठीक है। इस period में इस टाइम फ्रेम में जो भी वर्क लिखा गया, जो लिटरेचर लिखा गया, हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रांसलेशन का क्या क्या काम हुआ हम उसको देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, तो जो हिस्ट्री है ट्रांसलेशन की वो इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रांसलेशन स्टडीज पर कितना काम हुआ, जैसे हम जो है वो आगे चैप्टर में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हमने हिस्ट्री पढ़ी कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ इस टाइम पीरियड में ये हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टर्म टाइम रिस्ट्रिक्टेड में आ जाएंगी। अब हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड थियरीज, कैन रेफर टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम सच एज इक्विवेलेंस, फेमिनिज्म एंड कैपिटलिज्म की इशू ऑफ द 1960s एंड 1970s, और टू अ वाइडर क्वेश्चन ऑफ वेदर यूनिवर्सल्स ऑफ ट्रांसलेटेड लैंग्वेज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड में के जो है वो एक जैसे प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है, फेमिनिज्म का है या इक्वलेंसी का है या फिर और कोई इशू है, तो वो उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, उस तक उसी से रिलेटेड जो है वो ट्रांसलेशन क्लोजली रिलेटेड मीनिंग का यूज़ किया जाएगा और ट्रांसलेशन जो है वो की जाएगी। तो अभी जो है हम बात कर रहे थे प्योर ब्रांच की बात कर रहे थे, जिसमें हमने थ्योरेटिकल को डिस्कस किया और थ्योरेटिकल फर्दर जनरल एंड पार्शल था। अब हम उसकी सेकंड जो है वो कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन है होम्स के मैप में। अच्छा, इसके भी तीन पॉसिबल एग्जामिनेशन है, इनके तीन पॉसिबल इसके को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है, द प्रोडक्ट द फंक्शन एंड द प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट, सेकंड वन इज द फंक्शन एंड थर्ड वन इज द प्रोसेस। प्रोडक्ट ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन क्या है, क्या एग्जामिन करता है, एग्जामिन एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशन जो हमारे पास मौजूदा है, जो उस पर काम हो रहा है वो उसको स्टडी करता है, उसको एग्जामिन करता है। This can involve the description or analysis of a single source text into target language, pair or comparative analysis of several target language, larger body of translation analysis looking at a specific period language or text discourse type. So, जो product oriented है, ठीक है, इसमें हम existing translation को जो है वो study करते हैं, और this can involve डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस ऑफ अ सिंगल, तो ये इसके अंदर क्या क्या आता है, डिस्क्रिप्शन आता है या फिर एनालिसिस आता है किसी भी एक सोर्स लैंग्वेज का, ठीक है, सोर्स जो है वो लैंग्वेज का टारगेट लैंग्वेज में, सोर्स ट्रांसलेशन, ठीक है, और टारगेट ट्रांसलेशन, यहाँ पे एस जो है वो सोर्स ट्रांसलेशन और टी जो है वो टारगेट ट्रांसलेशन, वो अब जो है वो पेयर में भी हो सकती है या कंपैरेटिवली एनालिसिस भी जो है वो हम कर सकते हैं कई टारगेट जो है ट्रांसलेशन का, ठीक है, लार्जर बॉडी ऑफ ट्रांसलेशन एनालिसिस लुकिंग एट अ स्पेसिफिक पीरियड। दी स्मॉलर स्केल स्टडीज कैन बिल्ड अप इनटू अ लार्जर बॉडी ऑफ ट्रांसलेशन, की जो छोटे छोटे स्केल्स पर जो ये रिसर्च की जा रही है, स्टडी की जा रही है, तो ये जो है वो ट्रांसलेशन एनालिसिस को एक जो है वो एक बड़े मुकाम तक लेकर जा सकती है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है फंक्शन ओरिएंटेड, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो टेक्स्ट को कहा जा रहा है, ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया कि प्रोडक्ट हमारे पास होता है, हमारे पास टेक्स्ट होता है,
ठीक है, उसको लेकर हम जो है वो ट्रांसलेशन करते हैं। अब यहाँ फंक्शन आ गया, फंक्शन डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन में होम्स जो है वो बताता है, होम्स मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन इन द रिसेप्शनिस्ट सोशियो कल्चर सिचुएशन, इट इज़ अ स्टडी ऑफ कॉन्टेक्स्ट रादर देन टेक्स्ट। इशूज दैट मे बी रिसर्च इंक्लूड विच बुक्स वर ट्रांसलेटेड व्हेन एंड वेयर व्हाट इन्फ्लुएंस दे एग्जर्टेड। अच्छा, अब इसमें जो है वो होम्स के कहने का मतलब है, ठीक है, जो फंक्शन है ट्रांसलेशन का मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ ट्रांसलेशन इन द रिसेप्शनिस्ट सोशियो कल्चर सिचुएशन। किस में होता है? सोसाइटी में जो कल्चर सिचुएशन होती है उस पर बेस्ड किया जा होता है। अब कह रहे हैं कि ये स्टडी है कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है स्टोरी विद कॉन्टेक्स्ट, कि एक वर्ड अगर हेल्प का यूज़ किया जा रहा है, आपने सिंपली समवन सेज के कैन यू प्लीज हेल्प मी, सिंपल एक जो है वो वर्ड है, ठीक है, कि सामने वाला आपको आपकी उसको हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि हेल्प और क्राई करता है, चीखता है, तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे फौरन बैकग्राउंड नॉलेज के थ्रू कि उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये जो है कॉन्टेक्स्ट की बात करता है कि बैकग्राउंड में क्या बात हो रही है रादर देन टेक्स्ट, ठीक है, कि एक्चुअली राइटर के जो मकसद है कहने का, मैसेज है, वो हिडन मैसेज क्या है। इश्यूज दैट मे बी रिसर्च इंक्लूड विच बुक्स वर ट्रांसलेटेड व्हेन एंड वेयर व्हाट इन्फ्लुएंसेस दे एक्सर्टेड। अब यहाँ पे कौन से इश्यूज जो है वो रिसर्च किए जाते हैं, जो इंक्लूड करती हैं कि कौन सी बुक्स ट्रांसलेट की गई, ठीक है, कब, कहाँ और उनका इन्फ्लुएंस किया था, इसमें ये आते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास टेक्स्ट आएगा, फंक्शन ओरिएंटेड में हमारे पास कौन सी बुक ट्रांसलेट की गई, कब, कहाँ और इन्फ्लुएंस किया था, क्यों जो है वो ट्रांसलेट की गई। नेक्स्ट इज प्रोसेस ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज इन होम्स फ्रेमवर्क इज कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन, कि इसमें जो है हम साइकोलॉजी देखेंगे। इट इज कंसर्न विद ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन द माइंड ऑफ अ ट्रांसलेटर, कि जो ट्रांसलेट करने वाला है वो जो है मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा था, क्या ट्रांसलेट करना चाहता था। दिस इज एन एरिया ऑफ रिसर्च विच इज ओनली नाउ बींग सिस्टमेटिकली एनालाइज। अब कह रहे हैं कि ये वो एरिया है रिसर्च का, ठीक है, जो अब सिस्टमेटिकली एनालाइज किया जा रहा है, कि एक पूरा इस पर जो है वो सिस्टम काम कर रहा है कि ये कैसे होता है। सिस्टम वही होगा ना कि ऑर्डर वाइज, जैसे अगर साइकोलॉजी की बात करें तो हमारी वो जो है वो ब्रेन की बात आ जाती है, ब्रेन हमारा कैसे फंक्शन करता है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया ट्रांसलेशन स्टडी की एक ब्रांच को, प्यो को। अब हम डिस्कस करते हैं अप्लाइड ब्रांच ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज। हमने दो ब्रांच कही ना ट्रांसलेशन स्टडीज की, दो ब्रांच है, प्योर दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमेना, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, और अप्लाइड जो है दिस इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकलिटी। अब ये जो अप्लाइड है, ठीक है, इसको फर्दर जो है वो डिवेलप किया गया। इसमें हमारे पास जो था वो ट्रांसलेटर ट्रेनिंग, ट्रांसलेशन एड एंड ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म। ट्रांसलेटर ट्रेनिंग में जो है वो फर्दर टीचिंग एवेल्यूएशन मेथड आ जाएगा, टेस्टिंग टेक्निक्स, करिकुलम डिज़ाइन, इनको फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया गया है। चलिए हम इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द अप्लाइड ब्रांच ऑफ होम्स फ्रेमवर्क कंसर्न्स, अब जो अप्लाइड ब्रांच है होम्स के फ्रेमवर्क की, उसमें क्या बात हो रही है? ट्रांसलेटर ट्रेनिंग, टीचिंग मेथड, टेस्टिंग टेक्निक्स, करिकुलम डिज़ाइन, यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें ट्रांसलेटर ट्रेनिंग की बात हो रही है कि कौन सी टीचिंग मेथड यूज़ की जा रही हैं, कौन सी टेस्टिंग टेक्निक्स एवेल्यूएशन के लिए, कौन से टेक्निक टेस्टिंग टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाएंगी, और करिकुलम क्या डिज़ाइन किया जाएगा।
सेकेंड हमारे पास कैटेगरी आ जाती है ट्रांसलेशन एड्स, कि कौन कौन से हमारे पास ट्रांसलेशन एड्स हैं। डिक्शनरीज है, ग्रामर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन एड्स तो हमारे पास आजकल मोबाइल फोन्स भी है ना, जिसमें गूगल ट्रांसलेट हमें जो है वो ट्रांसलेट करके देता है। डिक्शनरीज होती थी पहले, ठीक है, ग्रामर्स की डिक्शनरीज होती थी। तो थर्ड हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म। ट्रांसलेशन क्रिटिसिज्म में हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं ट्रांसलेशन को, द एवेल्युएशन ऑफ ट्रांसलेशन, रिव्यू करते हैं, इंक्लूडिंग द मार्किंग ऑफ स्टूडेंट ट्रांसलेशन एंड द रिव्यूज ऑफ पब्लिश ट्रांसलेशन। अब जो ऑलरेडी ट्रांसलेशन पब्लिश हो गई हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कर दी गई हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, उनको रिव्यू किया जाता है और उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि सिर्फ जो है उसको उसके बैड पॉइंट्स को क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसके अच्छे पॉइंट्स को जो है वो डिस्क्राइब करना, बताना, वो भी जो है वो क्रिटिसिज्म के जो है वो कैटेगरी में आता है। तो अब हम फर्दर अगर हम बात करेंगे तो जो है वो होम्स की ब्रांचेस से अप्लाइड एंड प्योर। तो अनदर एरिया होम्स मेंशन इज ट्रांसलेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर जो है वो ट्रांसलेशन को डिवाइड करके थियरीज एंड प्रैक्टिकलिटी में, अब होम जिस पर फर्दर उसे मेंशन करता है वो कहते हैं ट्रांसलेशन पॉलिसी भी होना चाहिए, ट्रांसलेशन पॉलिसी भी होना चाहिए, फर्दर इस पर भी बात करते हैं। वेयर ही सीज द ट्रांसलेशन स्कॉलर एडवाइजिंग ऑन द प्लेस ऑफ ट्रांसलेशन सोसाइटी, इंक्लूडिंग व्हाट प्लेस इफ एनी इट शुड ऑक्यूपाई इन द लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग करिकुलम, के ट्रांसलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या चीज़ शामिल होना चाहिए कि ये इसका क्या रोल है, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग में और लैंग्वेज लर्निंग में ये ट्रांसलेशन पॉलिसी को शामिल होना चाहिए। अब जो है वो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है स्टोरी मैप की, होम्स एंड टोरी का जो मैप है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। द डिवीजन इन द मैप एज अ होल आर इन मैनी वेज आर्टिफिशियल, कि जो डिवीजन की गई है, ठीक है, हमने कहा कि प्योर है, अप्लाइड है, फिर फर्दर प्योर को जो है कहते हैं कि ये बहुत सारे जो है वो अगर हम देखें एनालाइज करें तो वो आर्टिफिशियल है, बनावटी है। होम्स जो है वो इटसेल्फ जो है वो कंसर्नड है इस चीज़ को लेके, परेशान है कि जो थ्योरेटिकल, डिस्क्रिप्टिव और अप्लाइड एरियाज है ना, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। तो द मेन मेरिट ऑफ द डिवीजन हाउएवर इज एज स्टोरी सेड्स दैट दे अलाउ अ क्लेरिफिकेशन एंड अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द वेरियस एरियाज ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज विच इन द पास्ट हैव ओपन बीन कन्फ्यूज। तो जो मेन मेरिट है जो है इस डिवीजन का, कि जो फ्रेमवर्क है इसका, इसका जो मेन जो सही खूबी है इसकी वो क्या है, टोरी जो है वो बताते हैं कि दे अलाउ अ क्लेरिफिकेशन, कि जो डिवीजन की गई है, जो मॉडल की डिवीजन की गई है, इससे जो है वो आपको क्लेरिफाई हो जाता है। एंड अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द वेरियस एरियाज ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज, और ये डिवीजन जो है वो क्या मतलब क्या जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, कि इससे वेरियस एरियाज पता चल रहे हैं ट्रांसलेशन के, विच इन द पास्ट हैव ऑफन बीन कन्फ्यूज, जो कि माजी में, ठीक है, जो है वो देखने वाला या सुनने वाला कन्फ्यूज हो जाता था, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क ने कन्फ्यूजन दूर कर दिया इस डिवीजन से, जो है वो एटलीस्ट जो है वो ट्रांसलेटर है परेशान नहीं है, कि उसे पता है कि उसने क्या करना है। द डिवीजन इज नेवरलेस फ्लेक्सिबल, ये डिवीजन हम जो है वो उस मॉडल की बात कर रहे हैं, जो मॉडल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्दर उसको सब डिवाइड किया गया है। द डिवीजन इज नेवरलेस फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट डेवलपमेंट सच एज द टेक्नोलॉजिकल एडवांस ऑफ रिसेंट ईयर्स, ऑल्दो दीज एडवांसेस स्टिल रिक्वायर कंसिडरेबल फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो डिवीजन है ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, जो आज का रिसर्च एरिया है, ठीक है, इसमें अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इसको अभी भी फर्दर जो है वो एनालाइज किया जा सकता है। सो हम जो है वो लास्ट में बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट सिंस द 1970s
The surge in translation studies since the 1970s has been different areas of Hume's map come to the fore. कि जो translation studies का जो एक discussion है वो कहाँ से start होती है, ठीक है, 1970 से. और इसमें जो है वो different areas जो है वो discuss किए गए Hume's के map के. Germany has seen the rise of theories centered around textile and text purpose, while the Halliday had an influence of discourse analysis and systematic functional grammar. अब जर्मनी में जो है वो किसका आगाज होता है थेरीज का, किसको लेके, टेक्स टाइप को लेके, कि टेक्स्ट का एनालिसिस, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से वोकैबुलरी हो, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो, मीनिंग क्या होगा, ठीक है, और टेक्स्ट पर्पस को लेके. जबकि हैलीडे पर जो है जो इन्फ्लुएंस था वो डिस्कोर्स एनालिसिस का था, कौन सा डिस्कोर्स हो, किस तरह से उसको जो है वो एनालाइज करना है, कौन सी वर्ड लेवल हो, और जो है सिस्टमेटिक फंक्शनल ग्रामर, कि ग्रामर का एक्चुअली फंक्शन क्या है, कैसे काम करती है ये, क्या हम जो है वो पहले क्या सीखते हैं. विच व्यूज लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेटिव एक्ट इन अ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट. अब इस जो है ये क्या दिखाता है कि लैंग्वेज जो है वो एक कम्युनिकेटिव एक्ट है, यानी कि एक बातचीत करने वाला अमल है, किस में, सोसाइटी में, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में. केम टू प्रोमिनेंस इन द अर्ली 1990s. अब ये कब जो है इसको मतलब पजीराई मिलती है, कब ये फेमस होती है, 1990s में. कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में और यूके में. एंड वॉज अप्लाइड टू ट्रांसलेशन इन अ सीरीज ऑफ वर्क्स बाय स्कॉलर्स सच एज बेल, बेकर एंड हैटिम एंड मेसन. और ये जो है ट्रांसलेशन ठीक है अप्लाई की गई सीरीज ऑफ वर्क्स में स्कॉलर्स के थ्रू, जैसे कि बेल, बेकर एंड हैटिम एंड मेसन. जर्मनी की बात हो गई, ये किस तरह जो है वो थेरीज जो है वो फर्दर वन बाय वन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई. द लेट 1970s एंड द 1980s ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच दैट हैड इट्स ओरिजिन इन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड रशियन फॉर्मलिज्म. अब लेट जो है वो 1970 और 1980 ने जो है वो क्या देखा, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच का राइज देखा, कि डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो उभर कर सामने आती है, जिसकी ओरिजिन यानी जिसका के हमें जो है वो निशान मिलते हैं कंपैरेटिव लिटरेचर में और रशियन फॉर्मलिज्म में. हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की जो बात कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, कि इसकी जो रूट्स हैं वो हमें कंपैरेटिव लिटरेचर में मिलती हैं और फॉर्मल रशियन फॉर्मलिज्म में. पायनियरिंग सेंटर हैज बीन टिल एविव वेयर एटमर एवन जोहर एंड गिडन ट्यूरी हैव परसुएड द आइडिया ऑफ द लिटरेरी पॉलिसी सिस्टम इन विच Amongst other things, different literature genres, including translated and non-translated, compete for dominance. अब हम बात करें कि जो pioneer हैं, जिन्होंने इसको जो है वो इस discipline को आगे बढ़ाया, ठीक है, उनकी बात हो रही है कि उन्होंने जो idea है literary policy system का, तो ये जो है डिफरेंट लिटरेचर जॉनर्स इंक्लूडिंग ट्रांसलेटेड नॉन ट्रांसलेटेड वर्क्स जो हैं ये कंपीट कर रहे हैं, किस लिए, डोमिनेंसी के लिए, कि ये जितने भी जो हैं ये सब्जेक्ट हैं ये डोमिनेट कर सकें.